आपको सीधा ले चलते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जो कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ से। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चरम पर है और इसी के चलते लगातार बड़े नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं, और इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचे हुए हैं, जो कि वहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है, खालसा पंथ की गुरु परंपरा और गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हमेशा हमारी सरकार के लिए प्रेरणा रही है। बीते 10 वर्षों में हमने सर्वदा भला के रास्ते को मानकर लोक कल्याण के लिए काम किया है। हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है। लंगर को टैक्स फ्री करने का निर्णय हो या हर मंदिर साहब के लिए FCRA की अनुमति हो, हुजूर साहब और हेमकुंड साहब के दरबार तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना हो, NDA सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तीर्थ के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है। यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया, निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे धर्म स्थानों पर हमले होने लगे, तब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए। ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए CAA लेकर आई। CAA ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता, जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है। लेकिन कांग्रेस